गुड मॉर्निंग। सुबह के टाइम गर्म पानी पीने से पहले मेरी आवाज़ ऐसी है, देखिए कितनी सुरीली आवाज़ रहती है सुबह सुबह। अब मैं गर्म पानी पीऊँगी तब आवाज़ चेंज होगी। बाहर बैठी हुई चिड़िया बहुत खूब सारी चहचहाहट हो रही बीच से की, यू कैन सी दैट। सुबह मैं उठी, अभी गेट पे गई बाहर देखने के लिए क्या हो रहा है। सामने मुझे लगा ये क्या है, फिर ध्यान से देखा तो ये भाई साहब बैठे हुए थे, ये देखो। और ये ऐसा बैठे थे इंसानों की तरीके कि मैं समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा है। आई थिंक वो कैमरा, उसको भी पेपराजी पसंद नहीं है, वो भी कह रहा था मेरी प्राइवेसी में इन्वेजन है ये। नहीं, इसमें पेट्रोल है, इसका फ्यूल वाला ख़राब हो गया। बेचारी स्कूटी बस जाने वाली, आरआईपी होने वाली। सुबह सुबह बाज़ार हो गया था ख़त्म, और बाज़ार क्या, घर के पास से ग्रोसरी लेने गई थी और साथ में पापा ने अपने लिए चॉकलेट और सेंटर फ्रेश मंगवाया था। बताइए, बचपन में पापा हम लोग के लिए टॉफ़ी लाते थे, अब हम उनके लिए लेके आ रहे हैं। एक्चुअली उनको थोड़ा साटिका की प्रॉब्लम हो गई है, और दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि इधर बीच मेरे व्लॉग्स में भी थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि घर में ये तबीयत ख़राब, फिर दीपावली, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ आ गई। ये बन रही है सैंडविच, मसाला तैयार हो गया है, और साथ में इसके साथ हमने लिया है ब्राउन ब्रेड होल व्हीट का, तो इसमें हेल्दी वर्जन। ये स्पेशल चटनी बन चुकी है, और साथ ही साथ वाओ कृतिका, दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक। और ये हमारा ब्रेड हो गया है तैयार, कढ़ी बनने के लिए दही रखी हुई है, और साथ ही साथ आज हमारे स्टार शेफ उतरे हुए हैं किचन में। कृतिका, एक और चीज़ जो किचन में आ जाइए वो भी दिखाई ज़रा। स्टार शेफ जिस दिन किचन में उतरे उस दिन एक और चीज़ खास रहती है, क्या रहता है कृतिका? क्यों कृतिका, हाँ जला ली, इट्स ओके। वाह, ओ वाह, ओ भाई साहब, धनिया। अरे शॉर्ट। और फिर क्या, हमारा मसाला सैंडविच बनके हो चुका है तैयार, सन किस्ड मसाला सैंडविच। इसके बाद हम इसे खाते हैं और करते हैं दिन की शुरुआत। मैंने नाश्ता किया, नाश्ते का वक्त हो चुका था। कृतिका, मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं देखते हो तुम? बताओ, 2 से 3 ब्लॉग्स तुमने नहीं देखे थे? बड़ी हाथ में यूट्यूब खोला और ब्लॉगर बनने का स्टार्ट किया। तुमने ही बोला था दीदी आप यूट्यूब वीडियोस बनाए। मैंने पैसे के लिए बोला था, आप समझी नहीं मेरी बात को। मेरा सेल्फिश रीज़न तो मुझे आप पैसे कमा दो, आप पैसे दे रही हैं, आप कमा रही हैं पैसे तो। Oh my God, इतनी अच्छी यूट्यूबर हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं दिल से इस लड़के को सपोर्ट करती हूँ। और ये पूरा रूम हो गया है साफ सफाई, अब हम यहाँ बिछा लेंगे अपने गद्दे। जो यहाँ की मैट्रेसेस थी वो, सॉरी, नीचे की मैट्रेसेस थी वो यहाँ आ गई, क्योंकि पापा को मैंने बताया नहीं था साटिका की वजह से उनको लेटने में इशू हो रहा है, कमर में प्रॉब्लम हो रही, तो मैट्रेस उनको डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो बेड पे चले गए हैं नॉर्मल रुई वाले गद्दे, और जो मैट्रेस आती हैं वो यहाँ ऊपर कर दी गई हैं। और इस तरीके से हम मैट्रेस बिछाएंगे और बुढ़ापे तक हम लोग भी कमर की प्रॉब्लम ले लेंगे। कैसा लगा गाइस? है गाइस, अरे चुन्नू तुम यहाँ कहाँ से आ गए? इनका भाई आ गया था, ये नीचे ही थे। कितने साल का हो गया है? 5 साल का नहीं हुआ है, 7-8 साल का हो गया होगा। तो सही पूछ रही क्या? हाँ सही पूछे, क्या बताओ, बच्चा है क्या ये? 5 साल का हो गया। मैं अभी सितंबर मंथ की करंट अफेयर पढ़ रही थी, यहाँ योजना मैगजीन पड़ी हुई है, और रूम का बंटवारा हो गया है गाइस। तो ये मेरा रूम है, तो रूम का स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके से चेंज, क्योंकि हमारे पास बेड है नहीं, तो ये है मेरा रूम जो कि अब चेंज हो चुका है। और मैं जा रही हूँ अपनी बुक लेने, तो चलते हैं फूल कुमारी के रूम में। ये फूल कुमारी का रूम, फूल कुमारी इस समय, अरे फूल कुमारी तुम मेरा ब्लॉग देख रही हो, वाह
गुड गुड फूल कुमारी गुड। खैर मुझे अपनी बुक लेनी थी फूल कुमारी, सॉरी। तुमने इसको यहाँ बैठा लिया? राइस साथ में बता दो, लोग दो लोग एक थाली में खा रहे हैं तो आपको सब जायंट समझ में। अजीब हालत है यार, इंसान शांति से खा भी नहीं सकता है, मतलब क्या बोला जाए। और साथ में खाने में क्या है? कढ़ी टन टन न। वाह देखिए दीदी कढ़ी डाल रही हैं, वाह भाई। बस इतना सिनेमैटिक शॉट देने की ज़रूरत नहीं थी, बता। ओके शाम हो गई है, चलिए अब नीचे चलते हैं चाय पीते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाती हूँ, बालकनी। एंड दिस इज बालकनी, वाओ कितनी सुंदर लग रही है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। दिवाली आते ही रौनक आ जाती है हर तरफ। रौनकें ही रौनकें। और ये बाहर कितना प्यारा लग रहा है। सो आज का टास्क हो चुका है कंप्लीट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी। बाय बाय, गुड नाइट।